वेलकम बैक टू आवर चैनल। और
अभी हो गया है टाइम सुबह के 10:30 और हम टाइमली चले हैं सुबह सुबह अराउंड हम चले थे होटल से 8 बजे के करीब। तो कल ही अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग में और पहुंच गए हैं गुलमर्ग अराउंड 10 बजे के करीब। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो नीचे आपको बोलेंगे कि गाड़ी जाएगी नहीं। तो एक टर्न मार्ग है जगह, टर्न मार्ग तक प्लेन ही है रोड, अप्रोक्सीमेटली 30 या 40 किलोमीटर तक। तो वहाँ तक आप अपनी गाड़ी में आए, अगर वहाँ से गाड़ी जाएगी तो आर्मी ही आपको बता देगी आपकी गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी। अदरवाइज जो लोकल जो लोग हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो आपको नीचे से ही कहेंगे कि गाड़ी जाएगी नहीं, बट गाड़ी आपकी टनमार्क तक तो बड़े आराम से जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद तो यार नज़ारा ही कुछ अलग है। अगर आप देखोगे दूर दूर तक बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी हम जा रहे हैं टुवार्ड्स गंडोला। गंडोला तो उतरने के बाद हमें भूख लगी हुई थी, सबसे पहले हमने यहाँ पे चाय, मैगी और ब्रेड आमलेट वगैरह लिया जो पहाड़ों की स्पेशलिटी है। तो अगर यहाँ पे आओगे तो मैगी वगैरह तो लोगे ही यार, घर पे टेस्टी नहीं लगती, बट आप पहाड़ पे आओगे तो पहाड़ पे तो टेस्टी लगती है। और अभी हम जा रहे हैं गंडोला की तरफ। गंडोला एक रोप वे है और 2 पॉइंट्स हैं उसके। पहला पॉइंट थोड़ा लोअर थोड़ा सा हिल है और देन सेकंड वाला अपर हिल है, और कोस्टिंग है उसकी 740 अराउंड। और अभी जाएंगे देखेंगे वहाँ पे क्या है, और यहाँ पे गाइड वाइड लेने की जरूरत नहीं है, गाइड आपको बोलेंगे, गाइड वगैरह कर लीजिए। तो और ये है व्यू, तो वैसे एक मेरी आपसे सुजेशन एक रहेगा कि आप अगर जितनी जल्दी आप श्रीनगर से चलोगे उतनी जल्दी ही फ़ायदा है, क्योंकि 1 या 2 बजे के बाद आपको टैक्सीज नहीं मिलेंगी अगर यहाँ पे आपकी अपनी गाड़ी नहीं आ पा रही। और कल मैंने सुना है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे कल ऊपर फंस ही गए थे लोग, नीचे रोड वगैरह ब्लॉक हो गया था। और अभी आज की प्लानिंग है, आज पहले गंडोला राइड, गंडोला राइड के बाद तो कुछ है नहीं है। बाकी स्कीइंग स्कूंग है वो मनाली वगैरह में आप करोगे, वो इतनी मज़ेदार नहीं है यार, पैर वैर दुखने लगते हैं उसमें। और उसके अलावा स्नो में Thank you.